जय जिनेन्द्र बच्चों। अरे देखो तो, सबके सब छोटी छोटी सी थैली और हाथों में लाठी लेकर ये कौन से माउंटेन से आ रहे हैं? चेहरे पर थकान है, नंगे पांव हैं, फिर भी इतने खुश हैं। चक्कर क्या है? अरे ये तो इतना बड़ा पहाड़ है। क्या आप भी कभी ऐसे माउंटेन की ट्रैकिंग पे गए हो जिसको कंप्लीट करने पर आपको बहुत ही अमेजिंग लगा हो? आप जानना चाहोगे इस स्पेशल माउंटेन के बारे में? तो आज हम आपको लेकर चलते हैं भारत की एक ऐसी अद्भुत जगह पर जहां से 20 तीर्थंकर भगवान और उनके साथ साथ करोड़ों करोड़ों मुनि महाराज भी मोक्ष गए हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हम बात कर रहे हैं सम्मेद शिखर जी की। जिस किसी को भी सच्चा सुख चाहिए वो यहाँ की वंदना को आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र से करोड़ों करोड़ों मुनिराजों ने अपनी सोल को प्योर किया है और मोक्ष पाया है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को एक विशेष, एक स्पेशल अनुभूति, एक स्पेशल फीलिंग होती है। उनके भाव बहुत अच्छे हो जाते हैं, मन एकदम शांत हो जाता है। यहाँ आकर तो हमें इतना अच्छा इंस्पायरिंग लगता है कि मानो भाव ही हो जाते हैं इस संसार से मुक्त होने के और इस जन्म मरण के चक्कर से फ्री होने के। यह पूरा शिखर जी का पहाड़ एक विशाल मंदिर जैसा ही है, इसीलिए तो इसकी यात्रा शुद्ध प्योर कपड़ों में और बिना जूते चप्पल पहनकर ही करनी चाहिए। यात्री जो विजिटर्स होते हैं ना, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर पहाड़ पर चलना शुरू करते हैं। आपको पता है पहाड़ के ऊपर जाने का रास्ता 9 किलोमीटर्स का है, 9 किलोमीटर। रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर पेड़ और पानी के झरने भी आते हैं। सबसे पहले आता है गंधर्व नाला और फिर शीतल नाला, विच इज़ अ वाटर स्ट्रीम। उसकी आवाज़ तो